नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर कांग्रेस विरोध कर रही है, दूसरी तरफ उसके अपने ही विधायक अब एनआरसी के समर्थन में आ गए हैं। यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस विधायक राकेश सिंह ने कहा है कि जो लोग एनआरसी बिल का विरोध कर रहे हैं उन्हें जेल में डाल दिया जाना चाहिए। विधायक ने फेसबुक पर बिल के पक्ष में एक कैंपेन चला रखा है। कांग्रेस का विरोध और विधायक का समर्थन की कहानी आप जाने से पहले राकेश सिंह का बिल का समर्थन में फेसबुक पोस्ट देखिए। पोस्ट में राकेश सिंह ने लिखा है, जो नागरिकता बिल का विरोध करते हैं उन्हें देशद्रोह में जेल में डाल देना चाहिए, क्योंकि जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के हित की बात करता है वह हिंदुस्तानी नहीं हो सकता। वह रे राजनीति, ऐसी ही न जाने कितनी पोस्ट फेसबुक पर किया है। अब आप राकेश सिंह के बारे में जान लीजिए, जो पार्टी लाइन से हटकर हमेशा से बीजेपी का समर्थन करते रहे हैं। दरअसल कांग्रेस के गढ़ रायबरेली के हरचंदपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक हैं। ये पीएम मोदी का जन्मदिन मनाने के साथ कई मामलों में पार्टी की गाइडलाइन से हटकर काम करने की वजह से चर्चा में रह चुके हैं। बता दें कि राकेश सिंह एमएलसी दिनेश सिंह के भाई हैं, जो कांग्रेस से बागी होकर बीजेपी में चले गए हैं। खैर, ये तो सियासत है, इसमें कोई किसी का सगा नहीं होता। कब कौन किसका समर्थन करे कहा नहीं जा सकता। न्यूज़ डेस्क।